हेलो फ्रेंड्स, खुशी ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 5 मिनट में रवा इडली। तो उसे हम किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या सामान लगाने वाले हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये मैं इडली के साथ खाने के लिए चटनी रेडी करूँगी। ये मैंने मूंगफली की गिरी ली है और कुछ हरा धनिया है और 5 से 4 5 हरी मिर्ची है और ये लहसुन की कली है। और ये देखिए, मैंने 1 कटोरी के करीब बड़ा रवा सूजी ली है और ये ज़्यादा पतली नहीं है, मोटी वाली सूजी ली है। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम 2 चम्मच करीब दही ऐड करते हैं। चलिए अब हम इसमें ये 2 चम्मच दही ऐड करते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी दही ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें अब हम ये पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा ही ऐड करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। जब तक इनको मिलाना, जब तक ये दही की सारी गांठें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अभी साथ ही इसमें हम ये थोड़ी इनो ऐड करेंगे। अब हम फिर से इसे चलाएंगे एकदम से, इसे जब तक हमारी सूजी अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसे चलाना है। तो देख रहे होंगे अब आप, आपको बिल्कुल भी दही की गांठें जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी एक बार और फिर से इसे ट्राई कर लेते हैं चला करके। तो देखिए हमारा मोस्टली बैटर बन के तैयार है इडली का। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, जब तक के लिए हम अपनी ये चटनी बना लेते हैं। तो देखिए चटनी के लिए मैंने ये मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसमें ये हरे धनिया की पत्ती और ये मिर्ची, मतलब सभी सामान को एक साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही इसमें ये नमक ऐड कर रहे हैं। आप नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ये पानी ऐड कर रहे हैं। अब हम जार को बंद करके मिक्सी में चला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये चटनी बन के रेडी हो गई है इडली के साथ खाने के लिए। और चलिए अब हम अपनी ये इडली भी रेडी कर लेते हैं। अब आप देखेंगे बैटर हमारा सूजी ने अच्छी तरह से पानी को सोख लिया है। और अब हम ये इडली मेक कर लेते हैं। और इसमें अब हम अपनी 1 गिलास पानी ऐड करते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ये हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है और इनको, ताकि इसमें इडली हमारी चिपके नहीं। अब हम इसमें ये बैटर डाल रहे हैं। इस तरह से सभी में बैटर डाल के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए सभी में मैंने बैटर भर के सेट कर दिया है।
और अब हम इसे इसमें बंद कर दें। 5 मिनट तक के लिए स्टीम देने को गैस पर रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं कि हमारी इडली बन के रेडी हुई है कि नहीं। अब हम आप देख रहे होंगे लगभग हमारी इडली स्टीम हो चुकी है और आप देख रहे हैं कितने अच्छे से निकल के आ रही हैं। अब हम इन्हें थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इनको चेंज कर दिया है और लगभग हमारी अच्छी तरह से देखिए काफ़ी स्पंची लग रही हैं, आपको देखने में पता लग रहा होगा। बस हमारी इडली लगभग रेडी है, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी इडली बनके रेडी हो चुकी है, आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी इडली लग रही है देखने में। और देखिए मैं अब आपको ये थोड़ा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से भी काफ़ी अच्छी तरह से सीख गई हैं और काफ़ी स्पंजी है, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने इसे कितनी जल्दी से बनाया, जब कभी आपका मन करे कि हमें इंस्टेंट इडली चटनी खाना है या इडली सांभर खाना है तो आप इस तरह से ओनली 5 मिनट में इडली चटनी के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी नेक्स्ट रेसिपी की डिमांड क्या होगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।